अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करें कि तुसां सारे अल्लाह दे फजल व करम नाल ठीक ठाक हो सो। अज असां तुहानू इह दस्सने हाँ कि जिहड़ी जिल्द साजी है या कोई किताब नू तुसां अगर जिल्द करना है और अपने घर बह के करना है और प्रोफेसनल तरीके नाल करना है तो अज ये वीडियो तुसां दे वास्ते है। वीडियो मुकम्मल देख सो ताकि तुहानू किसी चीज़ की समझ आ चुके। दोस्तों ये हुण जिहड़ा ता इस तो पहले इस किताब तो पहले जिहड़ी ये हुण इस उत्ते जिहड़ी प्लास्टिक दी शीट वो असां ज्वाइन करेंदे पए। इस तो पहले किताब दे त्रै सुराख बंदा करेंदा है अच्छे तरीके दे नाल और वत उन्हां त्रै सुराखां तो बाद ये जिहड़ी प्लास्टिक हुंदी है जिहड़ी एक्सरे शीट जिसनूं आखदे आ ये दोहां पासू रख के ते धागे नाल दोबारा सिलाई करके इसनों टैट कर दें और उत्ते थोड़ी जी हथौड़ी के नाल भी इसनों बंदा टैट कर दें ताकि कोई मसला बाकी ना रहे। उस तों बाद इस दे चारों तरफ कटाई का मसला आता है तो यह एक थोड़े को पैमाना होना चाहिए, यह कटर होना चाहिए। बारी बारी जिन्हें थोड़ा नज़र आता पे पैमाना रख के उस एन सदाई के नाल इस कटर के नाल चारों पासों या त्रै पासों जी वधी हुई होंगी शीट इसनों बंदा कप गिंदा है। जिले कब गिंद खूबसूरत थी वी जो पिछले कै पास भी कोई किनारे बचे हुए हैं कैची के नाल तुसा देते पे कि वह किनारे जरा तो मैं लहा के दिन हूँ एक हल्का जहा फुलका जहाँ असा निशान ले सू निशान ये एक तयशुदा होंगे और उस निशान के मुताबक ये टेप बंदा एक पासू ला गिंद तो तकरीबन वत उस एक अंदाजा जल्द तय थे होंगे तो वत दूजे पास भी बंदा मुरड़ा तो वह उ आर जरा दूजे पास भी बराबर जरा शीट थी वी हादी रगड़ाई नाल इस मुकम्मल तौर पर बंदा प्रेस कर गिंद प्रेस करके जिहड़े इसे किनारे वधे हुए होने वो किनारा बंदा कैंची नाल कप गिंदा है। जे कैंची नाल कप गिंदा है तो इस पास कोई होर कमी पेशी नहीं रही और ये एक